पता नहीं कहाँ से काट लिया है। कहाँ गया था? पता नहीं, नीचे गए हुए थे कुछ लाने के। वो रहा सांप काट लिया है। कहाँ से सांप पड़ती है? देखो ना लड्डू, ये क्या किस चीज का है? ये उसी का तो लग रहा है। सुना तो बोलो यार। हे गाइज, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष। और आज हम लोग फिर जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से और वो लोग बाइक से गए हुए हैं। तो फिर बहुत मजा आने वाला है। अभी हम लोग रात को कितना टाइम हो रहा है? 8 बज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल। और बाकी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा है ये घर, छोटा सा एक घर। मेरा घर में मिला है प्यार। चलिए अब बैठते हैं। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं मार्केट में। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पे मॉल के बाहर। स्कूटी और बाइक सब ने यहाँ लगाया हुआ है इस दुकान के सामने। आप देख रहे हैं पीछे बाइक लगा हुआ है। बाकी अब हम लोग चलते हैं मॉल की तरफ। लड्डू तो पापा का बोझ छोड़ नहीं रहा अपने। लड्डू ओए, कौन है ये? कौन है ये? तो अभी यहाँ पर मनीषा भी खड़ी है। तो अब हम लोग चलते हैं मॉल में। मॉल में करके थोड़ा सा एंजॉय, वापस आएंगे। बने रही आप लोग। तमिलनाडु की बसों पे जो लिखा हुआ है ना, ये मुझे तो नहीं आता पढ़ने। आपको आता है? इनको भी नहीं आता, बहुत खतरनाक है पढ़ना। लड्डू को आता है? लड्डू पढ़ के बताओ तो। लड्डू एफ आर। चलिए तो गाइस, ये है यहाँ की कुछ कोयम्बटूर की सड़कें। बाकी ये दोनों आ रही हैं। सो दोस्तों, अब यहाँ पर गोलगप्पे की रेडी दिख गई, तो यहाँ गोलगप्पा खाना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। बस यहाँ गोलगप्पा दिख जाए। इस बार मनीषा रोकी है कि पूजा रोकी है? अब दोनों नहीं बता रहे हैं क्योंकि डांट पड़ जाएगा। तुम गोलगप्पा नहीं खाती है? तो बस अब समझ जाइए कौन गोलगप्पा के लिए यहाँ रोका हुआ है। मम्मी बहुत बार मना करती है कि गोलगप्पा नहीं खाना है। सूरत में बोलते रहेंगे क्योंकि बिहार जैसा मिलता नहीं है और बिहार का खाने का मन करता है। मैं यूपी के लिए। अच्छा, ये मिर्जापुर वाले भैया। बिहार जैसा मिलेगा। चलिए तो भैया गोलगप्पा बना रहे। पिछली बार गोलगप्पा बहुत दिन पहले खाए। हाँ तो गाइस, फाइनली हम लोग मॉल आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं तमिलनाडु की मॉल में मनीषा सेकंड टाइम आई है। कल आ गई थी एक बार पहली बार। हाँ, कल मैं इनसे पहले आ गई थी। तो दूसरे मॉल में गई थी, इस मॉल में नहीं गई। हाँ, मैं दूसरे मॉल में गई थी। और ये कौन सा मॉल है? रोजोन मॉल। रोजोन मॉल है ये। सो गाइज, मॉल में तो चले गए थे। मॉल में जाने के बाद यहाँ एक्सेलेटर के ऊपर चढ़ के हम लोग ऊपर भी जा रहे थे सीढ़ियों से। आवाज़ यहाँ इतनी थी कि किसी को कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर दे रहा हूँ। प्लस यहाँ पर मनीषा कह रहा हूँ, वो प्रदीप बाबू जो थे, यानी कि हमारे घर के दामाद जी, वो गए हुए थे लड्डू के लिए बनानाज लाने, क्योंकि लड्डू बनानाज और मिल्क बहुत ज़्यादा खाता है, इसीलिए वहाँ पर वो चले गए थे। बाकी यहाँ पर मनीषा अपना ब्लॉगिंग में एकदम मस्त थी। इसको ये नहीं पता था कि इसकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी नहीं, बाहर का शोर ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा। खैर, आप लोग बने रहिएगा एंड तक। वैसे यहाँ पे आप लोगों को जान करके ताजुब होगा कि मूवीज़ की टिकट आपको 60 रुपये में भी मिल जाती है आईनॉक्स जैसे थिएटर में, और मैक्सिमम 120 रुपये तक जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और हम लोग प्लान करेंगे जल्दी मूवी देखने के लिए। वैसे अब हम लोग को यहाँ से निकलना भी है, तो आप लोग बस बने रहिए और देखिए कैसे हम लोग लुत्फ़ उठा रहे थे मॉल के अंदर का, और नज़ारा भी देखिए। हम लोग अभी KFC ढूंढ रहे हैं और लड्डू आइसक्रीम। लड्डू आइसक्रीम खाएगा। छोटे बच्चे हैं। मैं जा रही हूँ बैठने, क्योंकि बहुत देर तक खड़ा होना पड़ेगा। और मिस्टर राज पीछे ऑर्डर कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे तब तक बैठते हैं, वो देखते हैं क्या क्या ऑर्डर करते हैं। वैसे अभी ऑर्डर कर लिए हैं यहाँ पे। दोनों की हालत ख़राब कर दिया मेरा। क्या हुआ? कोई भी सो जा रहा है आइसक्रीम। लड्डू को देखिए आइसक्रीम के लिए, दोस्तों हम लोग फाइनली यहाँ पे खाना पीना खा चुके हैं। वैसे तो प्रदीप बाबू और पूजा ये लोग वेजिटेरियन खाते हैं, लेकिन हम लोग अपना KFC का निपटा चुके हैं, निपटारा कर चुके हैं। मनीषा का भी आज मन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं ही बोला क्योंकि गोलगप्पा खा के आए हुए पहले। कबू देखिए कितना मासूम लग रहा है, भोली सी सूरत।
चिकन चिकन चिकन। एनी वेज गाइज, अभी हम लोग घर जाएंगे, ऐसे रात के 10:03 हो चुके हैं और फूड कोर्ट भी अब बंद होने ही वाला है थोड़ी देर में। अभी पूजा खा रही है, देख सकते हैं मुँह में पूरा भरा हुआ है। अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से घर पे, घर पे चल के बातचीत करेंगे, फिर वही शूट करेंगे। तो गाइस अब हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, आप लोग देख सकते हैं हम सब आइसक्रीम खा रहे हैं। उधर भी आइसक्रीम, ये भी आइसक्रीम लड्डू, भी आइसक्रीम लड्डू जब की आइसक्रीम खा ली है, और ये भी आइसक्रीम। कैसा लगा आइसक्रीम? आइसक्रीम बहुत अच्छा लगा। एक दुकान का नाम था मुर्गप्पा। मनीषा बहुत हंस रही थी दुकान का नाम देख के। हमको भी लो छोटू, अपना छोटू सा मोबाइल छोटू हाइट पे रख लेती है, हम कट जाते हैं बार बार। तभी तो अच्छा लग रहा है, सब कर कर देख रहे हैं। और नहीं, और आप लोग देख सकते पीछे ब्लॉगिंग स्टार्ट है, तो आप लोग देखते रहो सबका ब्लॉग और इंजॉय करते रहो। अभी हम लोग स्कूटी पे बैठ चुके हैं, ठीक है, और वो लोग उधर जा रहे हैं आपके साथ। हम कब बार बैठे, हम सेकंड टाइम बैठ रहे हैं स्कूटी पे। हम लोग सूरत आए थे तब कब बैठे थे, बट अभी हम लोग बैठ रहे हैं। आप तो अच्छे से चलाएंगे और आप लोग देख सकते हैं, तो थोड़ा अच्छे से पकड़ के बैठना पड़ेगा। बहाना है ये, बहाना भाई, बहाना नहीं। अभी पूजा दीदी और लड्डू वो लोग पीछे आ रहे हैं, वो सब बहाना है, बाइक से है, तो आप लोग को भी दिखाते हैं ना, वो लोग हम लोग के पीछे ही आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम लोग बाइक से ट्रैवल करने जा रहे हैं बहुत दूर। बाइक से हम लोग जाएंगे रात का बाइक से चल रहे हैं, तो अभी देखे थे कैसे बैठ रही है वो भी, और अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, उनको आगे चले दीजिएगा, अभी तो आपको दिखेगा। आ गई है, लग रहा है स्कूटी पर बैठ के अलग खुशी हो रहा है। नहीं, मेरे को अच्छा लगता है स्कूटी। हम तो पूजा दीदी के साथ ही घूम भी लिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कोई वीआईपी आ रहा है भाई, कितना बजेगा, टिक टिक टक टिक बज रहा है, कितना तेज आवाज आ रहा है, कैसा लग रहा है। अभी घर हम लोग पहुंचे और यहाँ पर इनका झूला झूलना स्टार्ट है। तारों को मोहब्बत अंबर से, लड्डू के पड्डू बेटे कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। तो गाइस फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग की मीटिंग है। देखिए ये आँख बंद करके लड्डू कंपटीशन चैलेंज करके ऐसे ऐसे वीडियो डालेगा लड्डू, अपने मुंह पे मार लेंगे लड्डू। हम तो लड्डू को अभी हम लोग फिलहाल बैठ के बातचीत करने वाले हैं और यहाँ पर इनको देखिए, इनको लग रहा है कि कहीं और आ गई, अपने ही घर समझिए। गाइस मैं करवा चौथ के लिए लहंगा ऑर्डर की थी और लहंगा मेरा कैंसिल हो गया अपने आप। अब क्या पहनूंगी, आप लोग कमेंट करके मेरे ब्लॉग। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, 5 दिन है ये सिलाने के लिए। कैंची क्या चीज, क्या बोल रही हैं? चलो कोई बात नहीं है, हो जाएगा। तो दोस्तों रात को जब हम लोग बातचीत करके गए तो पूजा जा कर के लड्डू के साथ सो गई थी मस्त। तो 2 घंटे तक हम लोग ऐसे ही थे, फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पूजा के ऊपर एक प्रैंक किया जाए। तो पूजा के ऊपर प्रैंक करने का आइडिया ये दामाद जी का ही था, प्रदीप बाबू का। तो बोले कि ऐसे ऐसे छुपा दीजिए, और तब तक मैंने देखा मेरे पैर में ना सांप के बाइट के निशान थे। फिर मैंने बोला कि ये पूजा को बोलते हैं कि मेरे को जहर वाला सांप ने काटा, और मैं बिल्कुल वो करने लग गया। फिर एकदम मैंने मनीषा को बोला, मनीषा तुम जा करके बुलाओ और एक बार ट्रनिकेट जिसको बोलते कपड़ा बांध दो ऊपर, ताकि उसको लगे कि हाँ सांप नहीं काटा है, और मैं वो एक्टिंग कर दूंगा कि सांप काटा है जैसे वैसे। और फिर अब धीरे धीरे मनीषा मेरे को यहाँ पर बांध रही थी और प्रदीप बाबू पूरा मजे ले रहे थे, सोच सोच के मुस्कुरा रहे थे एकदम। मैं बोला कि यार बहुत मज़ा आने वाला है आज के प्रैंक में, आप लोग भी देखना बहुत मज़ा आएगा। पूजा के जो रिएक्शन है ना, बिल्कुल एपिक रिएक्शन है, बिल्कुल अल्टीमेट। ये मैडम जी पता नहीं तौली को लपेट रही थी या मेरे पैर को बांध रही थी,
बंदा ही नहीं रहा था। मैं बोला कि यार तुम जाओ पहले, तुम उसको बुला करके लाओ, बुला के लाओगे फिर प्रैंक बनेगा। ये कैमरा एडजस्टमेंट करते कि कैमरा देख लो किस साइड से और अपना एंगल बना लेना ताकि सबका वो आ जाए। वैसे तो मैंने ये जूम कर लिया, बहुत दूर कैमरा रखा हुआ था, तो आवाज़ भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। पूजा के ऊपर खतरनाक प्रैंक, वो प्रदीप बाबू के ऊपर गुस्सा हो रही थी। चलिए मज़े में अब रहिए और देखिए अब मेरी एक्टिंग शुरू। चढ़ रहेगा पैर पूरा, चाकू लिखे हो लड्डू, खून निकाला जाए। निकल रहा है क्या ब्लड? नहीं। अरे उसमें जहर होगा उसका, उसको खींचना पड़ेगा। खींचे 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 मुझे खींचे खींचे खींचे। नहीं खींचो लड्डू, समझ नहीं आ रहा आपको, देख के मजाक कर रहे हैं क्या, उसी में कुछ हुआ है। कौन है वहां से आते हैं? लड्डू देखो खींचो भाई, कैसे इसको हुआ है, कहां गया था ये? तो खाली सो जा रही है वो, अपने चढ़ रहा है मुझ समय से, बोला कीड़ा काट। अरे वो भी गए थे तो अभी वाइप्स मांगते इधर तक तो दुखा रहा है पैर वाले। एम्बुलेंस को फोन करके क्या बोल रहे थे? अब बात मत कीजिए, फोन कीजिए वरना। अरे फोन रखा हुआ है इसमें भी हम तहिले तहि दिखा देंगे, हम पोछे तो उसमें ब्लड जमा हुआ था, गिर गया होगा हमको पक्का लग रहा है सांप ही काटा है, लेकिन विषहीन सांप काटा है, इसमें जहर नहीं होता है। तुम देख लो स्नेक बाइट का निशान ऐसे ही होता है, बिल्कुल लेकिन हमको मालूम था। देखो तुम लोग विश्वास नहीं हो रहा, स्नेक बाइट का ही होता है, कहीं भी तुम देख लो, यहाँ भी है। कहीं बरामदा में निकला तो दब का तो नहीं है? हाँ दो वो दब का है, दो वो होता ही है, एकदम ऐसा ही है। गाइस आप लोग भी देखिए क्या कैमरा, ये कॉक का हुआ है, देखो मेरे सच में कटाया। आप लोग भी देखिए गाइस और आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा ये किस चीज का निशान है यहाँ पे। दर्द हो रहा है, पूरा ब्लड जम गया है। नहीं अब देख के थोड़ा, इंडिया में वैसे भी
सांप के काटने से कम मरता है लोग देख लेता है कि सांप काटा है तो मर जाता है लोग बोले भी सीने का हार्ट अटैक से। चलो इसका कुछ